a very good morning to dear students as you very well know myself alicia siddiqui i am the part of new horizon public school as a science teacher students in today class we will continue the chapter 2 animals and humans nutrition and we will do define of this chapter so define the following terms and the first define is holozoic nutrition the animals that consume solid organic matter as their food दिस टाइप ऑफ हेट्रोट्रॉप्रिशनिशन देखिये तो इस तरह के हेड्रोट्रॉप्रिशन को ही हॉलोजॉइक न्यूट्रिशन कहा जाता है नेक्स्ट डाइजेस्टिव सिस्टम द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन्वॉल्व मैनी स्टेप्स एंड कैरिड आउट बाई द डायजेस्टिव सिस्टम देखिये डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं पाचन तंत्र को तो पाचन की प्रक्रिया में बहुत सारे स्टेप्स बहुत सारे चरण होते हैं जो कि सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र की प्रक्रिया के द्वारा ही किए जाते हैं नेक्स्ट एलिमेंट्री एनाल द डाइजेस्टिव सिस्टम फ्रॉम ऑसिफिगस टू द एनस इज कॉल्ड एलिमेंट्री एनाल एलिमेंट्री एलिमेंट्रिक एनाल कहते हैं जब पाचन की क्रिया होती है तो ऊपर वाली नली असफ्य से लेकर टू द एनस नीचे का पार्ट एनस तक जो है वो एलिमेंट्रिक एनाल कहलाता है नेक्स्ट द प्रोसेस बाय द डाइजेस्टेड फूड मॉलिक्यूल्स आर एब्सॉर्ब बाय द इंटेस्टाइन वॉल एंड सेंट टू दर्क्यूलेट्री सिस्टम इस कॉल्ड एब्जॉर्प्शन देखिए वो प्रक्रिया जिसमें जो हजम हुआ खाना होता है वो इंटेस्टाइन यानी आतों की जो वॉल होती है उसमें जाता है उसमें जाकर एब्जॉर्ब होता है उसके बाद सर्क्यूलेट्री सिस्टम में भेजा जाता है इस प्रक्रिया को ही एब्जॉर्वेशन एब्जॉर्ब कहा जाता है नेक्स्ट डायजेशन द प्रोसेस इन विच कॉम्प्लेक्स फूड वो प्रक्रिया जिसमें कॉम्प्लेक्स फूड को तोड़ा जाता है ब्रोकन डाउन इंटू सिंपलर एंड सोल्यूबल फॉर्म यानी सिंपल uh, फॉर्म में और घुलनशील फॉर्म में जिससे कि खाना जो बड़ा होता है और उसके बाद छोटे छोटे पीस में तोड़ा जाता है मॉलिक्यूल्स में जो घुलनशील हो जाता है जिसको डाइजेशन या पाचन कहते हैं नेक्स्ट इंजेक्शन द प्रोसेस बाय विच एनिमल्स टेक इन फूड इज नोन एज इंजेक्शन जब एनिमल्स अपना खाना लेते हैं तो उस प्रक्रिया को ही इंजेक्शन कहा जाता है नाउ होमवर्क डू इट इन योर नोटबुक यह आपको अपनी नोटबुक में करना है और अच्छी राइटिंग में करना है थैंक यू सो मच